मध्य में मनरेगा रोजगार कार्ड पर दीपिका पादुकोण और जैकलीन फर्नांडिस का फोटो। दीपिका पादुकोण जैकलीन फर्नांडिस की फोटो मप्र में कर्मचारियों के जॉब कार्ड पर मिली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा नौकरी योजना एक बार फिर धोखेबाजों का निशाना बन गई है। इस बार मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और जैकलीन फर्नांडिस की तस्वीरों का इस्तेमाल कथित और पर नकली जॉब कार्ड पर किया गया है ताकि लाभ का दावा किया जा सके। फर्जी जॉब कार्ड का इस्तेमाल खातों से पैसे निकालने के लिए भी किया जा रहा था। इंदौर से लगभग 170 किलोमीटर दूर झिरनिया पंचायत के सुदूर पीपरखेड़ा नाका गांव में कम से कम 11 लोगों की मनरेगा लाभार्थियों के तहत अपलोड किए गए पारिवारिक जॉब कार्ड पर इन अभिनेताओं की तस्वीरें मिली हैं। पुरुषों के जॉब कार्ड भी दीपिका और जैकलीन की तस्वीरें हैं। मोनू दुबे नाम के एक जॉब कार्ड में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। मोनू दुबे ने कहा कि जॉब कार्ड पर दीपिका पादुकोण की फोटो लगाने के बाद उनके नाम पर 30,000 रुपए निकाले गए, बावजूद इसके वे काम पर नहीं गए। यह क्रम हर महीने चलता रहता है। सोनू नाम के एक अन्य लाभार्थी ने इसमें जैकलीन फर्नांडिस की तस्वीर लगाई थी। वास्तविक हितग्राहियों को सरकार द्वारा स्वीकृत राशि नहीं मिलने के बाद इस मामले को उजागर किया गया था। जांच करने पर अधिकारियों ने बॉलीवुड अभिनेत्री की तस्वीरों के साथ दर्जनों ऐसे फर्जी जॉब कार्ड बरामद किए। झिरनिया जिले में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें मनरेगा योजना के तहत कोई काम नहीं मिला और सरपंच सचिव रोजगार सहायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिला पंचायत के CEO गौरव बेनाल ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं कि फर्जी जॉब कार्ड कैसे बनाए गए और खाते से राशि कैसे निकाली गई।